नमस्कार मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और यह है और डेली के में पहले चुके हैं। तो शुरू करते हैं पर शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसे कई वीडियो के लिए और एनवायरमेंटल साइंस से जुड़ी हर एग्जाम की तैयारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्वेश्चन नंबर वन द मेन पोल्यूटेंट

ये भी ऑर्गेनिक और मैटर रिमूवल के लिए होता है ये सब ऑर्गेनिक मैटर रिमूवल के लिए होता है ये दोनों नहीं होगा सी सेपरेटर्स विद ऑयल स्किमिंग स्की हम शायद स्किम करते हैं ना ऊपर से तो ग्राविटी सेपरेटर्स विद ऑयल स्किमिंग डिवाइसेज ये सही उत्तर होगा आंसर होगा सी या इरेटेड लगुन्स इरेटेड लगुन्स वो अगेन जो होता है वो डिजोल्ड ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव करने के लिए होता है तो वो नहीं आंसर इज सी ठीक है अब ऑयल स्किमिंग टैंक किस तरह का होता है वो देखिए ग्रेविटी सेपरेटर विद ऑयल स्कीमिंग सिस्टम ये है ये ऑयल की लेर होती है पानी अंदर आ रहा है ऑयल की लेपर ऊपर है ये क्रॉस सेक्शन है और यहाँ पर ऑयल स्कीम लगा हुआ है तो वो तेल को यहाँ से स्किम करा है तेल रहा है ये तेल अलग निकाल लिया जाएगा इस तरह से काम करता है ठीक है ये इनलेट है पानी आया ये आउटलेट है साफ पानी बाहर गया क्वेश्चन नंबर टू साइड रॉसिस इज अ डिजीज कॉज्ड बाय इनहेलेशन ऑफ डस्ट ऑफ ए आयरन बी सल्फर सी नाइट्रोजन या डी लेड

तो आयरन की जब वेल्डिंग होती है तो डस्ट निकलती है उसमें आयरन होता है तो वो जब डस्ट इनहेल कर लेते हैं तो उनको साइड्रोसिस में डिपोजिट होने लगती है तो उससे होता है तो इसलिए ये एक ऑक्यूपेशनल डिजीज है साइड्रोसिस और जो भी जो भी लोग ऐसे वेल्डिंग का, का काम करते हैं उनको हमेशा चाहिए कि मास्क पहन के रखें ताकि जो डस्ट है आयरन की वो इनहेल नहीं करें क्वेश्चन थ्री इफ द फ्राउड नंबर इज इन एन ओपन चैनल इज

तो उसका कोई डिमेंशन होगा तो जब ऊपर का डायमेंशन और नीचे का डिमेंशन सेम है तो जब डिवाइड होगा तो कट हो जाएगा वैल्यू तो डायमेंशन लेस नंबर मिलेगा कम है तो वो सब क्रिटिकल फ्लो है वन से ज्यादा है तो वो सुपर क्रिटिकल फ्लो है स्ट्रीमिंग फ्लो मतलब एकदम स्मूथ फ्लो शूटिंग फ्लो मतलब तेज फ्लो तो दोनों ने क्रिटिकल फ्लो होगा कि फ्लो एकदम स्मूथ भी नहीं है और फ्लो एकदम शूटिंग भी नहीं है एकदम तेज भी नहीं है एकदम टर्बुलेंट भी नहीं है क्रिटिकल फ्लो के नीचे जो फ्लो होगा वो निहायत ही स्ट्रीमिंग स्मूथ होगा क्योंकि उसका जो क्योंकि वो सबक्रिटिकल फ्लो होता है ठीक है क्वेश्चन नंबर ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस लाइक सब्लिमेशन मेल्टिंग एंड वेपराइजेशन फेज ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस मतलब कि सॉलिड से लिक्विड लिक्विड से गैस तो इनमें से कौन सा है जो फेज ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस जैसे कि सब्लिमेशन सब्लिमेशन मतलब

प्लस केमिकल एनर्जी है तो कैनेटिक एनर्जी तो बदलेगी जब चेंज ऑफ स्टेट होगा तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज होती क्वेश्चन तो पहले हम समझे क्या होता है शॉर्ट ट्यूब ऑफ लेंथ नॉट मोर देन 2 टू 3 टाइम्स इट डायमी

होता है मतलब एक्चुअल डिस्चार्ज किस माउथ पीस में किस तरह के माउथ पीस में ज्यादा होता है तो कन्वर्जेंट पीस एक्सटर्नल माउथ पीस इंटरनल माउथ पीस या डी ए एंड सी ओनली तो ये सब अलग अलग तरह के माउथ पीस है और सही उत्तर है ए कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट माउथ पीस इसमें मैक्सिमम ऑफ डिस्चार्ज होता है ये सब मैकेनिक्स का क्वेश्चन है जो दो हजार में डेली स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी के एग्जाम में पूछा जा चुका है ये मैं वही क्वेश्चंस ले रही हूँ जो पहले पूछे जा चुके हैं तो शायद पिछली बार जो सिलेबस था उसमें फ्लूड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक्स भी आया होगा और इसलिए ये क्वेश्चन है वहां से तो इस बार भी उस तरह का सिलेबस होने की संभावना है इसलिए आप हर तरह के क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए ठीक है इसलिए मैं पीवाई क्यू सीज ला रही हूँ क्वेश्चन सिक्स ट्रेंगुलर नॉच इज प्रेफर्ड ओवर रेक्टेंगुलर नॉच बिकॉज नॉच क्या होता है नॉच होता है एक ओपनिंग नॉच मीन ओपनिंग इन अ टैंक और द वी नॉच और ट्रैंगुलर नॉच इज शार्प क्रेस्टेड नॉच विच इज मेनली यूज्ड द लो रेट ऑफ फ्लो जब फ्लो कम है

ठीक है ट्राइंगुलर नॉच में एक ही रीडिंग में आपको आंसर मिल जाएगा इसलिए वो प्रेफर किया जाता है क्वेश्चन सेवन केस ऑफ हेगन पॉइजी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लॉस ऑफ प्रेशर हेड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑफ पाइप बी स्क्वायर ऑफ पाइप

Which of the following is not a technique under predetermined motion time system? Predetermined motion time system. A predetermined motion time system, PMTS, is a work measurement technique that analyzes the basic human movements required to perform specific manual tasks in a given environment. To create a predetermined time system, an observer collects data by videotaping a task performed once. तो प्री डिटर्मा मतलब क्या होता है जो पहले से डिटरमाइन की गई हो पहले से स्थायी हो तो उसके लिए क्या होता है आप पहले से एक चीज को पूरी विधि को रिकॉर्ड करेंगे और फिर आपको तो पता चलेगा कि कितना टाइम इसमें लगेगा तो प्री डिटरमाइंड मोशन टाइम सिस्टम अब इनमें से कौन सा है जो प्री डिटरमाइंड मोशन टाइम सिस्टम टेक्निक में नहीं आता है वर्क फैक्टर स्टॉप वॉच टाइम स्टडी एम टी एम या सेंसिटिव डेटा सही उत्तर है स्टॉप वॉच टाइम स्टडी ये प्री डिटर्माइंट मोशन टाइम सिस्टम में नहीं होता है क्योंकि उसमें क्या होता है कि आप एक प्रोसेस को कर रहे हैं

हिसाब से फ्लूड को डिस्चार्ज करता है ये होता है अब मैं आपको इमेज में दिखाऊंगी पर पहले आंसर देख लेते हैं A, speed, area, head, सही उत्तर है सी मेंट फॉर स्मॉल छोटा सा डिस्चार्ज होता है तो उसमें रेसिप्रोकेटिंग पंप लगाया जाता है और वो कुछ ऐसा दिखता है मैंने ये गूगल किया तो मुझे ये मिला इस तरह से ये इनलेट है ये आउटलेट है यहाँ पंप लगा हुआ है ये में पंप है और ये पंप फ्लो को रेगुलेट uh, करता है यही होता है पंप ठीक है तो आज के लिए इतना ही मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेकआउट करें उसमें आपके लिए और बहुत उपयोगी वीडियोस और मटेरियल्स हैं थैंक यू जय हिंद जय भारत ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स